हेलो एंड हाय टू एवरीवन। आज की यह वीडियो डायोड के एप्लीकेशन को लेकर के है कि डायोड का एप्लीकेशन क्या होता है। डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में वाइडली किया जाता है। रेक्टिफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करती है, यानी डायोड से हम एसी सिग्नल को या एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि डायोड रेक्टिफायर के रूप में कैसे वर्क करता है। अगर रेक्टिफायर को देखा जाए तो रेक्टिफायर बेसिकली जो है टू टाइप्स का होता है। रेक्टिफायर टू टाइप्स का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के ये दो टाइप जो होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हमारी आज की टॉपिक जो है बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर को लेकर के है। तो आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर की एनालिसिस करेंगे और इसकी जो इसके इससे जो प्राप्त आउटपुट करंट होती है, डीसी करंट होती है, इफिशियंसी जो होती है इस रेक्टिफायर की, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है इसमें जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होती है वह सिग्नल हाफ वेव के रूप में होती है, यानी इनपुट सप्लाई के फुल वेव पर इसमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वह हाफ वेव के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए यह हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर के अगर सर्किट को डिजाइन करें तो बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एक सिंगल डायोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो एक सिंगल डायोड लेते हैं और इसको ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह डायोड बेसिकली सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हो सकता है। बेसिकली जो होते हैं डायोड रेक्टिफायर के रूप में वो सिलिकॉन मटेरियल से बने हुए डायोड इस्तेमाल होते हैं। तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग पर डायोड के एनोड टर्मिनल को सेकेंडरी वाइंडिंग के इस टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और डायोड के जो कैथोड टर्मिनल है विथ लोड यानी लोड के साथ इसके दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो है यह लोड है, इस लोड का रेजिस्टेंस मान यदि RL हो और यह ट्रांसफार्मर जो है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के इस प्राइमरी वाइंडिंग पर मेन सप्लाई दी जाएगी, मेन सप्लाई जो कि जनरली 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की होगी। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर, यह ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है और यह ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर 230 वोल्ट सप्लाई है और सेकेंडरी वाइंडिंग पर जितने वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर होगा उतने वोल्ट का है। जैसे अगर हमें डीसी वोल्टेज, अगर 9 वोल्ट की डीसी वोल्टेज चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमें 9 वोल्ट की डीसी वोल्टेज प्राप्त हो, तो 9 वोल्ट के डीसी के लिए हमें एक ऐसा डायोड लेना होगा जो 9 वोल्ट पर ऑपरेट करता हो। तो 9 वोल्ट मिनिमम 9 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाला एक डायोड लेंगे और ट्रांसफार्मर जो लिया जाएगा वो 9 वोल्ट का लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा वो 9 वोल्ट का होगा, यानी कि इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो एसी सिग्नल होगी वो 9 वोल्ट की होगी। अगर इस सर्किट के लिए आउटपुट वेव को ड्रा किया जाए तो इनपुट सप्लाई जो कि यहाँ पर जनरली जो है वह मेन 230 वोल्ट का है और सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट की एसी सिग्नल है। तो इस कुल डायोड, इस डायोड को मिलने वाली जो एसी इनपुट वोल्टेज है वो 9 वोल्ट की एसी सिग्नल है। यहाँ पर एक 9 वोल्ट की एसी सिग्नल ड्रा करते हैं, एसी सिग्नल जो कि 9 वोल्ट की है और इस एसी सिग्नल का यह वैल्यू जो है पीक वोल्टेज मान ईएम के रूप में है। यह सिग्नल 0 से पाई 2 पाई, इस 9 वोल्ट की एसी सिग्नल के लिए लोड पर जो डीसी सिग्नल प्राप्त होगी इस डायोड से, इसकी अगर वेव को देखें तो यहाँ पर एक आउटपुट का वेव बनाते हैं, आउटपुट सिग्नल का, आउटपुट सिग्नल। और इनपुट सिग्नल की अगर हर फेज एंगल पर अगर आउटपुट के वेव को ड्रा किया जाए, तब इनपुट सप्लाई की प्राइमरी वाइंडिंग पर इनपुट सप्लाई का पॉजिटिव फेज चलेगा 0 से पाई के रूप में, तो उस समय सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी 9 वोल्ट की एसी सिग्नल, 9 वोल्ट की एसी सिग्नल जो कि यह है, यह 9 वोल्ट की एसी सिग्नल का पॉजिटिव फेज चलेगा। तो उस समय यदि मान लिया जाए कि सेकेंडरी वाइंडिंग का यह टर्मिनल अगर एक्स है और यह टर्मिनल वाई है, तो एक्स टर्मिनल जो है पॉजिटिव वोल्टेज के रूप में है और वाई पर जो है नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। तो इस समय ऐसी सप्लाई को अगर पॉजिटिव वेव माना जाए तो इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस डायोड के लिए एक्स टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज होने की वजह से डायोड के एनोड को प्लस वोल्टेज मिलेगा और डायोड के कैथोड को वाई टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव वोल्टेज प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यह डायोड जो होगा वह फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो जाएगा। डायोड के बायसिंग को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को देखने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो डायोड पर बनी हुई है उसको देख सकते हैं आप। तो जब इनपुट सप्लाई के प्राइमरी वाइंडिंग पर यहाँ पर पॉजिटिव फेज होगा और कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज होगा, एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज होगा, तो उस समय डायोड जो होगा अंडर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब है एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज और कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है तो डायोड जो होता है जस्ट ऑन हो जाता है और इस समय डायोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि इस समय डायनामिक रेजिस्टेंस होगा, यह डायनामिक रेजिस्टेंस RD, स्मॉल RD, इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है।
या वेरी लेस होता है। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसमें डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही लेस होता है, तो इस समय यह डायोड एक सिंपली एक सिंपल एक मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू के रूप में बिहेव करेगा। और यदि इस डायोड के इस रेजिस्टेंस वैल्यू को RF के रूप में डिनोट किया जाए, अगर इस डायोड के इंटरनल रेजिस्टेंस को RF के रूप में देखें तो यह सिंपली डायोड जो होगा एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस के रूप में ऑपरेट करेगा और ये सिग्नल जो होगी लोड पर चली जाएगी और डायोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि डायोड जब ऑन होता है तो इसमें करंट फ्लो होती है डायोड करंट, और ये डायोड करंट एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होती है, तो लोड पर एक वोल्टेज प्राप्त होगा। अगर लोड के अपर टर्मिनल को पी मान लिया जाए और लोअर टर्मिनल को अगर क्यू मान लिया जाए, तो डायोड इसमें करंट फ्लो होगी लोड में, तो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी, तो करंट जो होगी वह करंट लोड करंट वह पी में इन करेगी और क्यू से आउट होगी, तो पी पर इन करेगी तो पॉजिटिव वोल्टेज, क्यू से आउट होगी तो नेगेटिव वोल्टेज। तो इस प्रकार लोड पर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा जो कि इनपुट सप्लाई के मान के बराबर होगा। जैसे इनपुट सप्लाई यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग का 9 वोल्ट का एसी है, तो आउटपुट वोल्टेज भी अप्रॉक्सीमेट 9 वोल्ट होगा। चूंकि डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, आरएफ मान डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मान, इसलिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बहुत ही कम होगा। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप को नेग्लिजिबल मान लिया जाए तो जितनी वोल्ट की एसी सप्लाई है वो पूरी की पूरी सप्लाई लोड पर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इसका आउटपुट वेव होगा जो इनपुट का जो वेव होगा जस्ट वैसा ही होगा जैसे इनपुट का वेव है। तो यहाँ 0 से पाई के रूप में एक आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा या आउटपुट करंट प्राप्त होगी जिसका वेव इनपुट सप्लाई के वेव के बराबर होगा। यहाँ पे इनपुट सप्लाई सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज है। उसी प्रकार जब इनपुट सप्लाई के अपोजिट फेज को देखें यानी कि नेगेटिव फेज को देखें, तो इनपुट सप्लाई का जब नेगेटिव फेज चलेगा पाई से टू पाई के बीच में, यहाँ पर 230 वोल्ट, तो प्राइमरी वाइंडिंग पर नेगेटिव फेज होने की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट होगी, तो एक्स पर उस समय वोल्टेज ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा और वाई पर जो है पॉजिटिव मान लिया जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस समय डायोड के एनोड को नेगेटिव वोल्टेज और कैथोड को पॉजिटिव वोल्टेज मिलने से यह डायोड अंडर रिवर्स वायस में हो जाएगा, और जब डायोड रिवर्स वायस कंडीशन में हो जाता है तो उस समय डायोड में केवल लीकेज करंट फ्लो होती है और डायोड ऑफ रहता है, यानी रिवर्स वायस में डायोड बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा, ऑफ के रूप में रहेगा। और रिवर्स वायस का जो रेजिस्टेंस होता है रिवर्स वायस का वो काफ़ी हाई होता है, इतना हाई होता है कि करंट को फ्लो होने नहीं देगा, तो कोई भी करंट लोड में फ्लो नहीं होगी। तो जब कोई करंट लोड में फ्लो नहीं होगी तो आउटपुट वोल्टेज होगा लोड पर वह जीरो प्राप्त होगा। इनपुट सप्लाई के पाई से टू पाई के फेज के बीच में कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, लगभग यह वोल्टेज जो होगा वो जीरो होगा। हालांकि परफेक्ट यह वोल्टेज जीरो नहीं होता है, यह आइडियल के केस में जीरो है, क्योंकि आइडियल अगर डायोड होता है तो उसमें रिवर्स बायस में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होती है, जबकि प्रैक्टिकली सभी डायोड्स होते हैं तो प्रैक्टिकली डायोड्स में जो करंट होती है वह कुछ न कुछ मान के रूप में होती है जो कि लीकेज करंट होती है। लेकिन इस करंट को अगर मेन इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव फेज के करंट के से कंपेयर करें तो यह करंट इतनी कम है कि इसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है, तो यह करंट अप्रॉक्सीमेट जीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार डायोड के इस लोड पर जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा वो पाई से टू पाई के बीच में वह लगभग जीरो वोल्ट प्राप्त होगा या जीरो करंट प्राप्त होगी। फिर उसी प्रकार जब इनपुट सप्लाई का पॉजिटिव फेज अगेन आएगा टू पाई से थ्री पाई के बीच में तो उस समय इनपुट सप्लाई सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक्स का टर्मिनल ऑटोमेटिकली फिर से पॉजिटिव वोल्टेज के रूप में हो जाएगा और वाई पर नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा, तो इस समय डायोड फिर से अगेन फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो उस समय यह सिंपली लो रेजिस्टेंस के रूप में बिहेव करेगा, तो आउटपुट जो प्राप्त होगा वो सिंपली इनपुट सप्लाई यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, तो लोड पर एक करंट फ्लो होगी जो कि यह करंट जो होगी प्रीवियस करंट जो कि जीरो से पाई फेज के रूप में जो है या इनपुट सप्लाई के वैल्यूज के रूप में है उसी रूप में प्राप्त होगी। तो टू पाई से थ्री पाई के बीच में भी जस्ट वैसा ही वेव प्राप्त होगा जैसे इनपुट सप्लाई के जीरो से पाई के बीच में है। फिर अगेन जब इनपुट सप्लाई का फेज 3π से 4π के बीच में होगा तो यह इनपुट सप्लाई का नेगेटिव फेज होने की वजह से इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक्स पर अगेन नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा और वाई टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज हो जाएगा, जिससे डायोड फिर से रिवर्स वायस कंडीशन में। जब यह डायोड रिवर्स वायस कंडीशन में हो जाएगा तो उसमें डायोड सिंपली ऑफ हो जाएगा और बिल्कुल भी करंट लोड में फ्लो नहीं होगी, तो 3π से 4π के बीच में करंट जो होगा बिल्कुल जीरो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है इनपुट सप्लाई के हर फेज एंगल पर आउटपुट वोल्टेज कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। क्योंकि इनपुट सप्लाई के फुल वेव को अगर देखें 0 से पाई के बीच में, यह एक कंप्लीट फुल साइकिल है इनपुट सप्लाई का, तो इनपुट सप्लाई के फुल वेव पर आउटपुट जो है केवल हाफ वेव मिल रहा है, यानी कि 0 से पाई के बीच में मिल रहा है, पाई से 2π के बीच में बिल्कुल भी आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है। इनपुट सप्लाई के फुल वेव पर आउटपुट हाफ वेव के रूप में मिल रहा है, यह एक हाफ और यह हाफ जीरो है, तो हाफ वेव के रूप में मिल रहा है, तो इसलिए यह रेक्टिफायर जो होता है वह हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। तो अगर इसके डीसी सिग्नल को देखें तो इस आउटपुट सिग्नल जो यह आउटपुट प्राप्त हो रहा है V0 या I0, इस आउटपुट सिग्नल में कोई भी नेगेटिव फेज नहीं है। जब कोई नेगेटिव फेज नहीं होगा, केवल पॉजिटिव फेज है या पॉजिटिव फेज वोल्टेज है, यानी वोल्टेज केवल पॉजिटिव ग्रुप में है, नेगेटिव वोल्टेज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह सिग्नल जो है वो डीसी सिग्नल है या यह सिग्नल डीसी सिग्नल होती है। चूंकि इस डीसी सिग्नल का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं, वेरिएबल है। अगर इसकी वैल्यूज को देखें
तो यहाँ से जो वैल्यूज है जीरो से लगातार इसकी वैल्यूज बढ़ रही है और उसके बाद इसकी इसका मान जो लगातार घट रहा है, यानी कि इसमें जो प्राप्त डीसी वोल्टेज मिल रही है यह डीसी वोल्टेज परफेक्ट डीसी वोल्टेज नहीं है। इस वोल्टेज में कुछ एसी की वैल्यूज है जिसे हम रिपल फैक्टर करते हैं, यानी हार्मोनिक्स करते हैं। तो 100% डीसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किसी भी रेक्टिफायर से जो प्राप्त आउटपुट होता है उसको फिल्टर से पास किया जाता है, तो उसमें आउटपुट जो होती है वो डीसी वोल्टेज के रूप में प्राप्त होती है। तो एवरेज डीसी करंट, डीसी आउटपुट करंट, तो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज डायोड को मिलती है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो इंड्यूस वोल्टेज होती है इक्वल टू वह ईएम साइन ओमेगा टी या ईएम साइन थीटा होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग पर एसी इंड्यूस्ड वोल्टेज का मान जो होता है इक्वल टू ईएम साइन थीटा है, जहां पर ईएम जो है वह इस इनपुट सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यूज है, यह इनपुट सिग्नल है और यह सिग्नल जो है वह जीरो से लेकर के लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई के बीच में है। इसका टाइम पीरियड जो है वह जीरो से लेकर के 2 पाई के बीच में है। लोड पर जो है जो आउटपुट करंट प्राप्त होगी, लोड करंट आईएल, उसका जो वैल्यूज होता है वह आईएम साइन थीटा होता है, जहां पर आईएम साइन थीटा, यहां पर आईएम जो है इस आउटपुट करंट के मैक्सिमम वैल्यूज आईएम को डिनोट कर रहा है और यह करंट जो होती है जीरो से पाई, जीरो से लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई के बीच में होती है। क्योंकि इसमें जो आउटपुट करंट हो रही है वह जीरो से पाई के बीच में मिल रही है और पाई से 2 पाई के बीच में इसका वैल्यू जो जीरो होता है, तो यह जो करंट है यह बेसिकली जो है वह जीरो से लेकर के लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई के बीच में इसकी वैल्यूज है, जीरो से पाई के बीच में। और पाई से 2 पाई के बीच में अगर लोड करंट को देखें तो पाई से 2 पाई के बीच में लोड पर कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आईएल का जो मान होगा वह जीरो होगा फॉर पाई से लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। तो पाई से 2 पाई के बीच में यह लोड करंट जो है परफेक्ट रूप से जीरो होती है। इस मैक्सिमम वैल्यूज आईएम के वैल्यू को देखें तो आईएम का जो फॉर्मूला होता है आईएम इक्वल टू वह जो होगा आईएम जो होगा वह ईएम वाई आरएल प्लस आरएफ के बराबर होगा। यहाँ पर जो आरएल है वह लोड का रेजिस्टेंस आरएल है और जब डायोड जब ऑन होता है, जब लोड करंट प्राप्त होती है, तो यह लोड करंट सिर्फ डायोड के फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही ऑन होती है, तो उस समय डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस के रूप में जब जस्ट ऑन होता है तो डायोड सिंपली एक फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस के रूप में बिहेव करता है। तो यहाँ पर जो आरएल है वह लोड रेजिस्टेंस है और आरएफ जो है डायोड का फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रेजिस्टेंस है जिसका मान बहुत ही कम होता है। रेक्टिफायर के लिए जो एवरेज डीसी आउटपुट करंट होगी आई एवरेज आई डीसी, यहाँ पर जो आई डी सी है वह एवरेज डी सी करंट को डिनोट कर रहा है, तो आई डी सी का जो मान होगा वह जीरो से 2 पाई, अगर जो इसमें करंट प्राप्त हो गया जीरो से 2 पाई के बीच में, अगर इस पूरी टाइम ऑफ पीरियड को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ओवरऑल जो होगा आउटपुट डी सी करंट मेजर्ड हो जाएगा। इस आउटपुट डी सी एवरेज करंट को प्राप्त करने के लिए जीरो से 2 पाई के बीच में जो करंट इसकी लोड करंट है उसको इंटीग्रेट करना होगा। इसकी वैल्यू जो होगी जीरो से 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ यह करंट लोड करंट का इंटीग्रेशन होगा लोड करंट इनटू डी थीटा के रूप में होगा। क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज वैल्यू जो है जीरो से 2 पाई के बीच में है, इसलिए इसके एवरेज के लिए 2 पाई से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर जो आई एल का मान है वह आई एम साइन थीटा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज को अगर रखें तो यह 1/2 पाई इसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा जीरो से 2 पाई, जीरो टू 2 पाई आई एल का जो मान होगा वो आई एम साइन थीटा होगा इनटू डी थीटा होगा। अगर इसकी वैल्यूज को रखें तो 1/2 पाई इसको बाहर रखें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 2 पाई, इसमें जो आउटपुट डीसी करंट जो होती है वो 0 से पाई के रूप में ही केवल प्राप्त होती है, पाई से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू 0 होती है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 0 से पाई आई एल साइन थीटा डी थीटा प्लस पाई टू 2 पाई जो करंट होगी वह 0 प्राप्त होगी, इसमें इसके बीच में कोई भी करंट प्राप्त नहीं होती है, तो 0 इंटू डी थीटा। अगर इसकी वैल्यूज को सॉल्व करें तो 1/2 पाई इसको अगर इंटीग्रेट करें तो आई एल का मान, आई एल एक कॉन्स्टेंट है तो आई एल को बाहर लिख सकते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और इसकी जो वैल्यूज होगी वह 0 से 2 पाई के बीच में हो, 0 से पाई के बीच में होगी, प्लस इसका मान जो होगा वह 100% 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है। 1/2 पाई यहाँ पर इसकी वैल्यूज को अगर रखेंगे तो माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 होगा और इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। इसका जो वैल्यू होगा आई डी सी इक्वल टू हो जाएगा आई एम अपॉन 2 पाई, सॉरी यहाँ पर जो आई एम नहीं, यहाँ पर आई एम है क्योंकि आई एम का हमने वैल्यू रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आई एम होगी, आई एम अपॉन 2 पाई, और इसका जो मान होगा माइनस कास पाई, कास पाई का मान जो होता है माइनस वन होता है, तो कास पाई का मान जो होता है माइनस वन प्लस कास जीरो अंश का मान जो है वन होता है। इसकी वैल्यूज को रखेंगे तो वह आई एम अपॉन 2 पाई प्लस जो है यह 2 के बराबर होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वह आई एम अपॉन पाई होगी। इस प्रकार जो
डीसी करंट प्राप्त होती है, एवरेज डीसी करंट इस रेक्टिफायर की, हाफ रेक्टिफायर की जो एवरेज आउटपुट डीसी करंट होती है उसका मान आईएम अपॉन 2 पाई होता है। यहाँ पर आईएम जो है वह मैक्सिमम इनपुट करंट को, मैक्सिमम लोड करंट को इंडिकेट करता है। हाफ रेक्टिफायर की जो आउटपुट डीसी वोल्टेज होगी, आउटपुट डीसी वोल्टेज जो लोड पर डीसी वोल्टेज प्राप्त होगी, आउटपुट डीसी वोल्टेज वह लोड की वोल्टेज होगी वीएल, या इसे हम सिंपली वीडीसी कह सकते हैं। तो इस वीडीसी का जो मान होगा वह लोड करंट यानी कि डीसी करंट आईडीसी इनटू आरएल के बराबर होगा। यहाँ पर अगर आईडीसी के मान को अगर रखेंगे इसका मान जो होता है आईएम अपॉन पाई इनटू आरएल, क्योंकि आईएम का मान हमने अभी दिखाया था इक्वेशन के रूप में प्रीवियस में कि आईएम जो होती है वह ईएम अपॉन आरएल प्लस आरएफ के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर आरएल, यहाँ से इसमें अगर आरएल कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ईएम इनटू आरएल, यहाँ से अगर इसको कॉमन लिया जाए तो 1 अपॉन 1 प्लस आरएफ अपॉन आरएल होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि डायोड का जो होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वो बहुत ही कम होता है, वेरी मच मच लेस होता है, इसका मान बहुत ही कम होता है। तो अगर आरएफ का मान बहुत कम होगा इन कंपेरिजन टू लोड रेजिस्टेंस, तो सिंपली आरएल अपॉन आरएफ अपॉन आरएल का जो मान होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही लेस देन हो जाएगा, 1 से काफ़ी लेस देन जो है इसका मान कम हो जाएगा। जब 1 से इसका मान काफ़ी कम हो जाएगा तो इस आरएफ अपॉन आरएल को सिंपली नेग्लिजिबल माना जा सकता है। और यहाँ पर जो है आरएल कॉमन लिया गया है तो यहाँ पर आरएल हो जाएगा, तो आरएल से आरएल जो है कैंसिल हो जाएगा। इसमें पाई भी है अपॉन पाई, यहाँ पर पाई, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो ईएम अपॉन पाई हो जाएगी। तो इस प्रकार जो आउटपुट डीसी वोल्टेज होती है वह आउटपुट डीसी वोल्टेज जो प्राप्त होती है वह ईएम अपॉन पाई के बराबर होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर एफिशिएंसी को देखें तो इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर। अगर आउटपुट डीसी पावर को देखें तो आउटपुट डीसी पावर पीडीसी इक्वल टू हो जाएगा आईडीसी स्क्वायर इंटू आरएल। चूँकि आईडीसी का मान जो होता है वह आईएम अपॉन पाई होता है, तो इसका सिंपली जो मान हो जाएगा आउटपुट डीसी पावर का मान पीडीसी वह इक्वल टू हो जाएगा आईएम अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू आरएल। और इस रेक्टिफायर की जो इनपुट एसी पावर होती है, इनपुट एसी पावर इसका जो मान होता है वह आईआरएमएस स्क्वायर इंटू आरएल प्लस आरएफ के बराबर होता है। क्योंकि यह इनपुट सिग्नल जो होती है वह डायोड को भी मिलती है, तो डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में इसका वैल्यू जो होता है वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के रूप में होता है। यहाँ पे आईआरएमएस का मान जो होता है वो आईएम अपॉन 2 के बराबर होता है, इसका वैल्यू जो होता है आईएम अपॉन 2 स्क्वायर इंटू आरएल प्लस आरएफ। और इन दोनों की वैल्यूज को अगर इस फॉर्मूले में रखें इसका जो मान होगा वह आईएम अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू आरएल अपॉन आईएम अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू आरएल प्लस आरएफ के बराबर होगा। और इसको सिंपली अगर सॉल्व करें इस प्रकार जो इसकी एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी इक्वल टू वो कह सकते हैं कि 4 अपॉन पाई स्क्वायर के बराबर होगी। इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी एटा इक्वल टू वह 4 अपॉन पाई स्क्वायर के बराबर होगी। अगर इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करें 4 अपॉन पाई का जो मान होता है 3.14, अगर इसको स्क्वायर के रूप में देखें तो इसके जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो 0.406 होगी। तो परसेंटेज के रूप में अगर एफिशिएंसी देखा जाए हाफ रेक्टिफायर की, तो परसेंटेज के रूप में जब इसका एफिशिएंसी होगा वो 0.406 इंटू 100% अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जो मान होगा वो 40.6% होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।